नैना क्या बनना चाहते हैं आप? कैसा रोड है? काफी वो है ना घुमाव वाला पहाड़ी एरिया। उल्टी आ गई है उनको। इतना गंदा भी डालना होता है अपने ब्लॉग। ठीक है शिवानी। तो देखिए गाइस कितना खूबसूरत चर्च है। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। तो गाइस सुबह मस्त नहा धो के तैयार हो गए, तो अभी सुबह 6 बजे का टाइम हो रहा है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन घूमने के लिए। जी हाँ, कसौली हिल स्टेशन है, काफ़ी बढ़िया टूरिस्ट प्लेस है, तो वहाँ पे हम घूमने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ गेस्ट आए हुए हैं, तो हमने सोचा चलो उनको घुमा लाते हैं कहीं पर। तो कसौली यहाँ से थोड़ा नज़दीक ही पड़ता है, तकरीबन 2.5-3 घंटे का रास्ता है, तो वहाँ पर आज पूरा दिन घूमेंगे और शाम को वापस आ जाएँगे। तो गाइस फिलहाल घर से निकल गए हैं और देखिए पहाड़ी एरिया स्टार्ट हो गया है यहाँ से। तो गाइस फिलहाल हम पहुँच चुके हैं कसौली। तो देखिए अभी हम पहुँचे थे, ये चर्च सबसे पुराना चर्च है हिमाचल का, तो यहाँ पे पहुँचे थे अभी। तो ये थे हमारे स्पेशल गेस्ट, देखिए संजय जी आए हैं हमारे साथ, साथ में इनकी वाइफ है आशु जी, निधि को तो आप जानते होंगे, शिवानी। तो गाइस देखिए हम स्पेशली आए थे इनको घुमाने के लिए कसौली की वादियों में, बहुत ही ठंडा मौसम हो रखा है यहाँ पे। तो अभी जो है ये कसौली का चर्च है जो काफ़ी फेमस है, अभी क्लोज है, 10 बजे खुलेगा, अभी 9:30 बजे का टाइम हुआ है, तो तब तक हम मंकी पॉइंट जाते हैं, है ना। चले फिर मंकी पॉइंट जाते हैं। चलो, तो यहाँ से हमें पैदल ही जाना पड़ेगा, 3 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से पैदल। तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं मंकी पॉइंट के एंट्रेंस पे, बहुत ही लंबा ट्रैक था, पैदल चल कर ही आए हैं, 3 किलोमीटर का ट्रैक था, तो बहुत ही बुरी हालत होगी। मैं और संजय तो पहुंच गए यहाँ पे, लेकिन बाकी जो है वो काफ़ी पीछे आ गए, उनको 10-15 मिनट लग जाएंगे आने में। देखिए यहाँ से एंट्री है, इस तरह से गेट है, यहाँ पर एक्चुअली आर्मी कंटोनमेंट एरिया भी अंदर ना, तो उसकी वजह से काफ़ी स्ट्रेट रेस्ट्रिक्शंस है यहाँ पे सेफ्टी के। तो गाइस देखिए इस तरह से यहाँ पे एक बार बहुत ही बड़े पोस्टर लगाया हुआ है कि मंकीज को फीड नहीं करना है, तो ये यहाँ पे स्ट्रिक्टली बैंड है। यहाँ पे देखिए सेफ्टी काफ़ी रखी गई है, फोटो वगैरह भी नहीं खींचते रहे हैं। तो इस तरह से आपको आसपास का व्यू दिखा देता हूँ, इस तरह से यहाँ पे होटल से आसपास ये ट्रैक है जहाँ से हम आए हैं, ये ऊपर आर्मी का एरिया सारा ऊपर। तो गाइस देखिए फिलहाल नैना और शिवानी पहुँच चुके हैं, पीछे देखिए निधि और आशु भी आ रहे हैं। नैना आ जाओ फिर। कैसा रहा सफर? चलिए अंदर अंदर एंट्री करते हैं, यहाँ पे देखिए काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस है, सभी फ़ोन जमा हो जाएंगे यहाँ पे। तो गाइस देखिए यहाँ पे सभी के फ़ोन वगैरह जमा हो रहे हैं, सभी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें। तो गाइस फाइनली माथा टेक के आ चुके हैं, देखिए सभी मेरे साथ है पीछे, देखिए बहुत ही बुरी हालत होगी वहाँ से आते आते, चढ़ाई सीधी थी 500 मीटर के ऊपर का। तो गाइस फिलहाल हम टैक्सी में बैठ गए हैं, ये हमारे देखिए टैक्सी वाले अंकल जी है, तो इस तरह से देखिए मैं आगे बैठा हूँ, पीछे जो है देखिए पांच मेंबर्स हमें पीछे बिठाने पड़ेंगे दूसरे के ऊपर, क्योंकि थोड़ी देर का रास्ता है ना, 5 मिनट में हम पहुँच जाएंगे वहाँ पर। तो जाएंगे चलो अंकल जी, हमें एक स्टोरी सुना रहे हैं कसौली की पुरानी याद है यहाँ की। पहले यहाँ पे बर्फ वगैरह काफ़ी पड़ती थी, लेकिन जो पेड़ यहाँ पे काफ़ी काटे गए थे, तो उसकी वजह से जो है एक तो बर्फ पड़ना बंद हो गई है, और ऊपर से गर्मी भी थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है ना, कल गर्मी ज्यादा, पखे नहीं होते थे कभी यहाँ पे, अभी तो ऐसे लगाने लगे पखे, सिर्फ एक ही आदमी घर में होते थे, वो खुशवंत सिंह। अच्छा, पत्रकार नाम सुना आपने? अब तो एसी भी लगने लगे होंगे, अब तो आप से आप तो चपड़ासी घर में भी एसी मिलेगा। और यहाँ पे कौन कौन से प्लेस है जहाँ पे जा सकते हैं घूमने के लिए? घूमने के लिए बस एक तो मंकी पॉइंट है, एक लोअर मार्ग है, एक अपर मार्ग है। लोअर मार्ग पे आप जाके वापस आ गए, आगे अपर मार्ग है। सुसाइड पॉइंट और सनसेट पॉइंट तो ऐसे बढ़ा के गिर गया। अच्छा, कोई कोई ढाक से गिर गया तो सुसाइड हो गया, कोई जंगल में बैठा तो लवर पॉइंट हो गया। अच्छा, कुछ ये तो उसकी गिनती में नहीं है। अच्छा, ये तो आप लोगों को रिझाने के लिए ना टैक्सी वो, ये टैक्सी को काम मिल गया नहीं, और आप लोगों को ये नहीं कि ये मैं जाके देखने मेरे सुसाइड होते रहते हैं, बच्चे बैठ जुड़ के आते हैं घर से लड़े हैं, कोई आपस में आके दोनों लड़ गए, नहीं बड़ी बात उसमें छलांग मार दी। जैसे हमारे उधर वो है नदियाँ, तो नदियों में छलांग मार देते हैं। बच्चे बोलते ठीक है, जन्म में नहीं मेरा रोकने में से क्या कर रहे। तो इधर को प्राइवेट गाड़ी भी आगे को लेते हैं मंकी पॉइंट पर? नहीं सर। अच्छा, टैक्सी आती है सिर्फ? प्राइवेट पहले सब आती थी। अच्छा, लेकिन प्राइवेट वाले सब गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि जहाँ जिसका दिल कहता है आपके भी आ रहा है, ट्रैफिक से ज्यादा जाम हो पीछे रहते हैं। वो आर्मी ने रूल बना दिया ना, एयरफोर्स का भी जाना मुश्किल था,
पर्सनल पार्किंग बना दी ना वहाँ पे, आप अपनी पर्सनल गाड़ी टैक्सी से जाएंगे आप। अच्छा अच्छा, टैक्सी का मतलब है कि ड्राइवर रुकते रहेंगे, अब आपको छोड़ेंगे वापस, रश नहीं ना रहेंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत इंडियन आर्मी, आई लव इंडियन आर्मी लिखा हुआ था, तो यहाँ पे फोटोज वगैरह खिंचवा रहे हैं। तो यहाँ से आया हम मंकी पॉइंट से, अभी चर्च तो अभी खुलने में टाइम है ना, वहाँ पे चर्च है तो वो 1 बजे खुलेगा, तो अभी 12 बजे है, तो हमने सोचा चलो ऊपर जाते हैं। ऊपर ये रोड जो गया है माल रोड को गया है, तो वहाँ पर हम थोड़ी देर में जाएंगे, कुछ काफ़ी के आते हैं वहाँ से, तब तक फ़ोटो शूट कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए गाइस रास्ते में कितनी सुंदर पेंटिंग वगैरह की हुई है आर्मी की तरफ से, देखिए कितना खूबसूरत है। और देखिए यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया आश्रम लिखा हुआ है खूबसूरत, नीचे देखिए प्लास्टिक के साथ कुछ लिखा है, कसौली कसौली लिखा है प्लास्टिक के साथ। गाइस यहाँ पे एक चौक है, देखिए चौक पे कितनी खूबसूरत यहाँ पे एक प्रतिमा लगी हुई है, पता नहीं किसकी है, हॉकी पकड़ हुई हाथ में, कौन सकता संजय किसकी मूर्ति लगी है, पता नहीं किसकी है, कुछ पता नहीं लग रहा है, यहाँ पे कुछ लिखा है लेकिन लोग आगे बैठे हुए हैं तो पढ़ा नहीं जा रहा है, लेकिन मुझे तो हॉकी के साथ भी लग रहे हैं, मेजर ध्यानचंद जो थे हॉकी प्लेयर उनकी लग रही है, काफ़ी खूबसूरत है, देखिए तांबे से बनी हुई है लगता है। गाइस ये अब हम पहुँचे अभी हेरिटेज मार्केट, तो यहाँ से रोड स्टार्ट हो गया है हेरिटेज मार्केट का, देखिए काफ़ी तंग सी मार्केट है, आई थिंक गाड़ियों वगैरह के लिए ये बंद है, ये सिर्फ बाइक्स वगैरह जा सकती है यहाँ से। ये कितनी खूबसूरत मार्केट है, साइड में बड़ी अच्छी अच्छी रेस्टोरेंट्स है, छोटे छोटे दुकानें हैं काफ़ी अच्छी। तो गाइस फिलहाल हम आ गए यहाँ पे कुछ खाने के लिए, लंच के लिए, तो अभी डिसाइड कर रहे हैं क्या, अभी कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा क्या खाना है। हाँ स्प्रिंग रोल है, गाइस देखिए पहले मंचूरियन आ चुके हैं, तो पहले मंचूरियन खाते हैं, उसके बाद फिर हमें नूडल्स मंगाए वो आएँगे, देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, देखिए ग्रेवी के साथ है। तो गाइस नूडल्स भी आ चुके हैं हमारे, देखिए मंचूरियन तो काफ़ी टेस्टी लगे। तो गाइस फिलहाल खाना फिनिश, तो अभी निकलते हैं थोड़ी देर में यहाँ से। तो गाइस अभी खाना खा के वापस आ गए थे, वापस पार्किंग की तरफ जा रहे हैं, उससे पहले हम चर्च में जाएंगे, तो फिर से वैसी चौक पे पहुंचा था मैं, तो देखिए अब मुझे पता लगा जो मूर्ति उन्हें की है मेजर ध्यानचंद जी की, मैंने सही गैस किया था, देखिए इस साइड लिखा हुआ, उस साइड नहीं लिखा हुआ, इस साइड लिखा हुआ है, तो ध्यानचंद जी की प्रतिमा लगाई हुई है यहाँ पे, आई डोंट नो क्या रीज़न है क्यों यहाँ पर लगाई हुई है, इसकी जो प्लेट है ना उसको पढ़ते हैं, उस पर शायद कुछ लिखा होगा क्यों लगाई हुई है। तो गाइस देखिए फाइनली चर्च के बाद पहुँच चुके हैं, वो देखिए गेट ओपन हो चुका है, सब एक हो चुका है ना, तो इस वजह से गेट ओपन हो गया, तो अभी चर्च के अंदर चलते हैं। तो देखिए गाइस कितना खूबसूरत चर्च है, यह जो चर्च है ना सबसे पुराना चर्च है हिमाचल का, जी हाँ गाइस 1844 में इसको बनाया गया था, ब्रिटिशर्स ने इसको बनाया था, जब वो कसौली आए थे ना तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर अपना चर्च बनाया था, तो उसकी वजह से देखिए काफ़ी फेमस हो गया था कसौली, कसौली जो है देखिए 1844 में ये चर्च बना दिया था, जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था ना, लड़ाई हुई थी वो 1857 में हुई थी, तो उससे तकरीबन 13-14 साल पहले ये चर्च उन्होंने बना दिया था, काफ़ी बड़ी अचीवमेंट। देखिए काफ़ी पुरानी प्रतिमा है, बहुत ही पुरानी, हिमाचल में सबसे पुरानी, जो शिमला का चर्च है ना वो भी उससे भी ज़्यादा पुराना है ये, तो आप सोच सकते हैं कि कितना पुराना है। देखिए देखिए इस तरह से पार्क के आसपास इसके लोग जो है यहाँ बैठ के एंजॉय करते हैं, यहाँ पे जो है देखिए धूप नहीं पहुँचती तो छाँव में, पेड़ों की छाँव में ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो उसकी वजह से काफ़ी मन यहाँ पे लगता है, अच्छी वाइब्स आते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मंकी भी एक आ गए, देखिए ये घूम रहे हैं, नहीं देखिए देखिए ये ऊपर दिया। तो गाइस देखिए काफ़ी देर वेट करने के बाद अभी पहुँच गए, ये आधा घंटा हो गया मुझे वेट करते हुए, तो अभी चर्च के अंदर चलते हैं हम। वो देखिए फ्रंट साइड से कितना खूबसूरत व्यू है चर्च का, काफ़ी अच्छे ढंग से देखिए इसको बनाया हुआ है, तो देखिए ऊपर क्लॉक भी है वहाँ पे, देखिए छोटी सी, आई थिंक वो वर्क नहीं कर रही है, 7:30 का टाइम बता रही है, लेकिन अभी तो 1:30 बजे है। तो गाइस देखिए अभी हम चर्च के अंदर आ गए थे, लेकिन यहाँ पे बहुत ही शांति है, तो काफ़ी धीरे धीरे मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है, देखिए बहुत ही पुराने टाइम की कारीगरी की हुई है, देखिए 180 साल जो है इसको हो चुके हैं इस चर्च को बने हुए, और अभी भी देखिए कितना खूबसूरत लगता है ये, देखिए यहाँ पे वो जो
क्रूज पे चढ़ाए थे जीसस क्राइस्ट, उनका लगाया हुआ है, उनकी मदर का है, मदर मेरी। यहाँ पे शायद खड़े होकर स्पीच देते होंगे, यहाँ पे माइक्स वगैरह भी लगे हुए हैं, शादी वगैरह की रस्म आई थिंक यहाँ पे निभाते होंगे, शादी जो भी होती है। और वहाँ पे देखिए कैंडल्स भी लगी हुई है, कोई जो क्रिश्चियनिटी का ना वो यहाँ पे आके प्रेयर करता होगा तो अपनी जो कैंडल है वहाँ पे लगाता होगा। तो गाइस देखिए यहाँ चर्च के बाहर सभी का फोटोशूट चल रहा है, रील्स बना रहे हैं हम लोग। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको वो रील्स देखने को मिलेंगी, जो इंस्टाग्राम का लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। बस हो गए फोटोशूट की, और भी करना पीछे एक राउंड ला जाते पीछे जाके, चलो पीछे राउंड ला जाते सारे खिंचाने की फोटो ना ग्रुप फोटो। गाइस फिलहाल हो गए यहाँ से फ्री चर्च से भी, तो अभी वापस चलते हैं, दिन के 2:30 बज चुके हैं तो काफ़ी लेट हो गया, अगर टाइम से हमें पहुँचना तो अभी निकलना पड़ेगा, तो चर्च से बाहर आ गए तो अभी चलते हैं घर के लिए। फिलहाल पहुँच चुके हैं गाड़ी के पास, देखिए सभी आ गए हैं। तो गाइस थोड़ी बैठने की यहाँ पे दिक्कत चल रही है, तो अभी साइड सीट्स वगैरह एक्सचेंज कर रहे हैं, लेना जाएगी इस साइड, इस साइड आ गए आप बैठ गए। तो गाइस थोड़ी देर के लिए हमें रुकना पड़ रहा है क्योंकि पहाड़ी एरिया काफ़ी है ना, तो मोड़ के काफ़ी आते हैं। तो देखिए नैना क्या बोलना चाहते हैं आप, कैसा रोड है, काफ़ी वो है ना घुमाओ वाला पहाड़ी एरिया। तो हमारे हमारे जो दो साथी थे वो देखिए उल्टियाँ आ गई हैं उनको, इतना गंदा भी डालना होता है अपने ब्लॉग में। तो हमारे देखिए दो, एक संजय और एक शिवानी, दोनों को जो है उल्टियाँ लग गई है, इतना खराब रोड है ना, खतरनाक रोड है ये, मोड़ के डीस में बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से जो है तभी खराब हो गई। ठीक है संजय ओके, हाँ जी चलिए फिर, ठीक है शिवानी। तो अभी खाना खाने के लिए आए हैं, तो देखिए इस तरह से अभी रेस्टोरेंट यहाँ पर अभी पहुँचे हैं, देखिए अभी गाड़ी में बैठे उतर ही नहीं रहे। तो गाइस फिलहाल अंदर आ गए हैं, तो अभी खाने का वेट कर रहे हैं, तो अभी हमने नूडल्स मंगाए थे, नूडल्स मंगाए ना, तो नूडल्स आ चुके हैं, चलो कर दो सब सभी। देखिए सभी बुरी तरह से थक चुके हैं, सुबह से निकले हुए हैं 7 बजे से, अभी शाम के 5 बजने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। तो गाइस फिलहाल खाना खा के फ्री हो गए हैं, चले फिर ना, चलो फिर चलो निकल। तो गाइस फिलहाल घर पहुँच चुके हैं, अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है बैठा हुआ। बाजी कैसे हो आप, आरु 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 सोई। तो गाइस देखिए यहाँ पे पंजाब कंपटीशन हो रहा है मम्मा रोहित के बीच में, ये देखिए रोहित ने पूरा जोर लगाया हुआ है यहाँ पे, ओ आरु जीत गया भाई, क्लैपिंग आरु के लिए। तो गाइस हम ना अरोही को ना रोहित ना कसौली लेके जा पाए थे क्योंकि इसके एग्जाम थे, इसलिए उसको हमें ना घर छोड़ना पड़ा, तो इसलिए रह गई थी, बाकी बहुत ही मजा आया कसौली में जाके, वहाँ पे वहाँ वो और क्या कर रहे हो आप यार, देखो यहाँ पे इसने गिरा दिया जूस, ओ जीत गया, ताकत है ताकत, अरे दिखाना ताकत अपनी, अरे अपनी ताकत, अरे कैसे ताकत आई आपके पास, ताकत कैसे आई आपके पास। तो गाइस वो मंकी पॉइंट का ना सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आप लोगों को हम अंदर का नहीं घुमा पाए थे क्योंकि फोन वगैरह बाहर रख दिए गए थे। मंकी पॉइंट क्या था कि वहाँ पे जब हनुमान जी वो संजीवनी बूटी लेके आ रहे थे ना मम्मा, तो वो जाते जाते ना उन्होंने पैर रखा था वहाँ पे मंकी पॉइंट पे, तो ऐसे उन्होंने छलांग लगाई, तो इसलिए वो मंकी पॉइंट फेमस है। बाकी लोकल बंदे जो है वो तो बोलते हैं कि हमें तो नहीं पता कि हनुमान जी ने क्या पैर रखा, नहीं उनको नहीं पता, वो बोलते हैं कि यहाँ पे एयरबेस बन रहा था ना, तो उस टाइम क्या हुआ था, उस टाइम वहाँ पे ना वो बम धमाके करते थे, तो वहाँ पे मजदूर काफी मर गए थे, तो उन्होंने वहाँ पे हनुमान जी का मत्था टेका था, तब तो वो जो है कंस्ट्रक्शन आगे हो पाई थी, इसलिए वहाँ पे उन्होंने मंदिर बना दिया छोटा सा एक, उसके बाद फिर धीरे धीरे पैसे इकट्ठे कर करके वहाँ पे
टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पे मंकी पॉइंट उसका नाम रख दिया गया, ऐसा कुछ स्टोरी थी। अरे ये बड़े हो जाएंगे ना तब उसे लेके जाएंगे हम मंकी पॉइंट पे। अरे बाय तो कर दो यार, अरे बाय कर दो, बाय एंड टेक केयर। देखिए बाकी साथियों की तबीयत खराब होती जा रही है एक दूसरे को देख के, जैसे वायरस नहीं फैलता वैसे फैलता जा रहा है, तबीयत खराब होती जा रही है बाकी।